नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट सचिन शर्मा। दोस्तों मैं आज बात करने जा रहा हूँ राजवीर भैया के ऊपर। राजवीर भैया को मैं पिछले 2 साल से फॉलो करता आ रहा हूँ। राजवीर भैया की मैं सारी फिटनेस की वीडियो देखता हूँ और वो जितनी भी वीडियो डालते हैं मैं उन वीडियो को देखता हूँ। आप सभी को जैसे पता है कि राजवीर भैया पे रेप केस लग गया था, पिछले 9 महीने उन्होंने जेल में रहे, अभी वो फिलहाल घर आ चुके हैं। मैंने अभी उनकी प्रेजेंट में भी वीडियो देखी थी। तो आज मैं बात करने आ रहा हूँ राजवीर भैया के लिए। राजवीर भैया एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी भी झूठ नहीं बोलते, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप उनकी वीडियो में देखते होंगे जो सत्य होता है वही वो बोलते हैं, चाहे उनके कोई गाली दे या कुछ भी कहे, वो उसका जवाब भी देना जानते हैं, हर किसी से वो बोलना भी जानते हैं, अपने आप में वो सक्षम है। उनके ऊपर रेप केस लगा। अब आप एक बताइए, राजवीर भैया कितने टाइम से वीडियो बनाते हुए आ रहे हैं, उनकी एस्टिमेट आप अर्निंग दिखेंगे तो काफ़ी लाखों पहुंच जाती है। उनके ऊपर एक लड़की ने 13 लाख रुपए का इल्ज़ाम लगाया कि 13 लाख रुपए ले लिए, और उनके ऊपर रेप केस लगाकर उन्हें फर्जी जो झूठा है, और उसके चक्कर में उनको जेल जाना पड़ा और 9 महीने जेल काट गया है। मैं राजवीर भैया की सारी वीडियो पिछले 2 साल से देख रहा हूँ। उनकी वीडियो में कभी भी उनके बातों से ऐसा नहीं लगता है कि वो किसी के बारे में बोल रहे हैं या किसी से उल्टा सीधा बोलते। कोई भी उनके खिलाफ वीडियो बनाता रहे उन्हें कुछ भी मतलब नहीं होता। राजवीर भैया एक ऐसे इंसान है, उनके लिए ऐसे वर्ड बोलना मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि उन पर रेप केस लगने के बाद उनको जेल भेज, जबकि वो बंदा एक ऐसे है कि वो कभी भी ना झूठ बोलते हैं और ना कुछ भी कहते, उनके ऊपर फर्जी झूठा रेप केस लगा दिया। मैं काफ़ी दिनों से वीडियो बनाना चाह रहा था पर मैं नहीं बना पाया, जब राजवीर भैया आ गए अब मैंने कहा कि राजवीर भैया के लिए एक आवाज़ उठानी चाहिए। जो राजवीर भैया हैं उनको जो ये फर्जी झूठा केस लगाया, और कितने लोग हैं उनके ऊपर ये केस लगाता है। तो मैं राजवीर भैया से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि भैया आप मेरी वीडियो देखें, मेरी वीडियो राजवीर भैया तक पहुँच जाए। राजवीर भैया मैं अपनी सिविल कोर्ट आगरा से अपने वकील अधिवक्ताओं के साथ आपके आपके लिए सदैव तत्पर खड़ा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि सारे हमारे भाई बहन और हमारे वकील समाज के जितने भी लोग मिलकर एक आपके लिए आपको इंसाफ दिलाने के लिए आवाज़ उठाएं, और ये फर्जी केस सब पे लगता हुआ आ रहा, कितने लोग हैं जो इससे जूझ चुके हैं। हमारा जुडिशियल में ऐसे ऐसे बंदे हैं जिनने कभी कुछ भी नहीं किया और उनके ऊपर रेप केस लग जाता, जबकि राजवीर भैया तो हमारे इतने बढ़िया इंसान, इतने दिलकुश इंसान, उनके ऊपर ये रेप केस लगा दिया। जब मैंने उनकी ये सुनी थी और जब मैंने उनकी वीडियो देखी, जब भैया जब आए, आने के बाद मैंने सोचा कि भैया के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, सभी ने कितनी कितनी फालतू वीडियो बना दी, कोई एक लड़की है आरुषि उसके ऊपर बना रहा है, जबकि भैया ने खुद बोल दिया कि उससे कोई भी ऐसा लिंक नहीं है, कोई भी संबंध नहीं, फिर भी उसके खिलाफ उसके पोस्टर लगाकर बनाते जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों को मैं तो जब भी आपकी वीडियो देखना तो इतना मुझे इतना बुरा लगता है बहुत ज़्यादा, जबकि वो इंसान आपसे खुद से मना कर रहा है कि उस थंबनेल को हटा दीजिए, फिर भी आप लोग नहीं मान रहे। आप लोग उनकी वीडियो डाले जा रहे हैं, फालतू की वीडियो बना रहे हैं, उन पर झूठा रेप केस, उन पर ये केस। अरे यार सबको पता है आप उनके खिलाफ, मतलब अगर सच नहीं बोल सकते कभी झूठ तो मत बोलिए, जबकि वो भैया आकर बोल रहे हैं आपसे कि भाई सामने वाले का थंबनेल हटा दो, मेरे बारे में कितनी चीज़ें बोले करते रहो, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हमेशा से दबंग है, दबंग रहेंगे। पर जो बात रेप केस की लगी है ना, तो भैया ने भी पिछली वीडियो में ही बोला था कि एक लड़का है उसके ऊपर भी ऐसी रेप केस लगा दिया, उसकी डेथ हो गई, और भैया तो हमारे इतने दिलकुश हैं कि वो इन चीज़ों को तो लोड लेते, हमेशा वीडियो में हंसते रहते हैं, कोई भी उनके बारे में कितना ही बोलते। तो बस मैं ये सोचता हूँ कि भैया की मेरी वीडियो भैया के पास पहुँच जाए, और भैया आप निश्चिंत रहें, आपको कभी भी आगरा के वकीलों की जरूरत पड़े तो हम आपके लिए तत्पर हैं हमेशा, और आपको इंसाफ दिलाने के लिए मैं पेज बनाने जा रहा हूँ, उस पर हम काफ़ी सारे वकील अपने कमेंट करेंगे और भी लोगों को जोड़ेंगे। और भैया आप टेंशन ना लें, कभी भी कोई दिक्कत हो तो आप तो हमारी क्या, आपके पास तो बहुत कुछ है। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो फर्जी और रेप के सगा भैया ऐसा चलता हुआ आ रहा है, आप छेल करें हमेशा।